गाइज, आज हम एक बहुत ही कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, वो है गैस्ट्राइटिस। जी हाँ गाइज, इसके सिम्टम के बारे में, इसके कारण के बारे में, इसके इलाज के बारे में, इसके प्रिवेंशन के बारे में और इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में, ये सारे इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज कुमार शाह, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि गैस्ट्राइटिस किसे कहते हैं। तो देखिए गैस, गैस्ट्री हमारे स्टोमक यानी कि पेट के अंदर जो लाइनिंग होती है उसमें सूजन आ जाता है, यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसी को हम कहते हैं गैस्ट्राइटिस। अब हम जान लेते हैं गैस्ट्राइटिस होने का कारण क्या क्या है। तो देखिए गैस, गैस्ट्राइटिस दो प्रकार का होते हैं, एक होता है एक्यूट गैस्ट्राइटिस, दूसरा होता है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। अब हम जानते हैं एक्यूट गैस्ट्राइटिस होने का कारण क्या क्या है और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होने का कारण क्या क्या है। तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस होने का कारण क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो आता है वह है डाइट एंड पर्सनल हैबिट के कारण, यानी कि आपके खराब खाने पीने की आदत के कारण आपको गैस्ट्राइटिस हो सकती है, जिसमें बहुत सारे कारण आते हैं, जैसे कि हाईली स्पाइसी फूड, यानी कि आप बहुत मिर्च मसालेदार खाना खाते हैं, यानी कि और दूसरा हो गया अल्कोहल कंजप्शन, यानी कि आप बहुत ज़्यादा शराब खाते हैं, या फिर किसी भी कारण से आपका यह माल न्यूट्रिशन, यानी कि आपके बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, या सिगरेट पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, कहने खाते हैं, ये सबसे भी आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम आ सकते हैं। और अगली जो कारण है वह है अनिंद्रा, यानी कि आप अच्छी तरह से नींद नहीं ले रहे हैं, या फिर आपको अच्छी तरह से नींद नहीं आ रहा है, तो उस कारण से भी आपको ये गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसी तरह दूसरा जो कारण है वह इन्फेक्शन, यानी कि आपके बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, इस कारण से भी आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर वायरल इन्फेक्शन हो चुका है, इस कारण से भी आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आ सकते हैं। और तीसरा और बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण जो है वह है इंटेक ऑफ एनएसआईडी ड्रग, यानी कि दर्द कम करने वाला दवा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि हल्की सी भी फीवर आने लगे या फिर हल्की सी सर दर्द करने लगे तो क्या करते हैं, दर्द कम होने वाला दवा खा लेते हैं। तो उससे क्या होता है, इसी गलती के कारण उस व्यक्ति को क्या होता है, ये गैस्ट्राइटिस वाली प्रॉब्लम आने लगता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है एनएसआईडी ग्रुप का ड्रग जो होता है, जैसे कि रूपेन हो गया, एस्पिरिन हो गया, डिक्लोफेनाक हो गया, पैरासीटामोल हो गया, ये सब बहुत सारे ड्रग आते हैं एनएसआईडी ग्रुप में। ये ड्रग बहुत ही कॉमनली यूज कर लेते हैं बहुत सारे लोग, तो इसीलिए आप ये गलती ना करिए, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। आप बहुत अच्छे से तरह से समझिएगा कि आपको एनएसआईडी ग्रुप का ड्रग नहीं लेना है, बिना डॉक्टर के सलाह लिए आपको ये ग्रुप का ड्रग नहीं लेना है। इसी तरह से अगली जो कारण है वो है केमिकल एंड फिजिकल एजेंट, यानी कि आप कोको कोला खा लेते हैं, सोडा खा लेते हैं, लाइसोल खा लेते हैं, फिनॉल खा लेते हैं, तो इस सबसे क्या होगा, आपको एक गैस्ट्रिक वाली प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इस सब में क्या होता है, ऐसे केमिकल होते हैं जिसे हमारी बॉडी अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इसी तरह अगली जो कारण है वो है सीवियर स्ट्रेस, यानी कि आपको मेंटल स्ट्रेस हो या फिर फिजिकल स्ट्रेस हो, इन दोनों कारण से क्या होगा, आपको गैस्ट्राइटिस वाली प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसमें बहुत सारे कारण आते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, यानी कि बहुत ज़्यादा तनाव लेना, चिंता करना, इमोशनल फैक्टर में आ गया शौक, किसी भी कारण से आपको शौक लग गया है, उस कारण से भी आपको ये गैस्ट्राइटिस वाली प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसी में अगली जो कारण है वो है एक्सटेंसिव बर्न, यानी कि आग के कारण आपके बॉडी में कहीं जल गया है, या फिर आपका सर्जरी हुआ है, या फिर आपका ट्रामा हो चुका है, तो इस कारण से क्या होगा, आपका ये गैस्ट्राइटिस वाले प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो अब तो हमने ये जान लिया कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस होने का कारण क्या क्या है, अब हम ये जानेंगे कि क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होने का कारण क्या क्या है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर जो आता है वह हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया है, जिससे क्या होता है, आपके पेट में इन्फेक्शन करता है ये, जिसके कारण से क्या होता है, आपको ये गैस्ट्राइटिस वाली प्रॉब्लम आ सकते हैं। और ये बैक्टीरिया एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में स्टूल के माध्यम से या फिर सलाइवा के माध्यम से ट्रांसफर होते हैं। और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होने का दूसरा मुख्य कारण है ऑटो इम्यून कॉजेज, यानी कि आपके बॉडी में इम्यूनिटी पावर किसी भी कारण से कम हो गया है, तो उस कारण से भी क्या होगा, आपको ये गैस्ट्राइटिस वाली प्रॉब्लम आ सकते हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि रिफ्लेक्स ऑफ ड्यूओडेनल कंटेंट इनटू द स्टोमक, यानी कि आपके आंतों में जो बाइल है वो बाइल आपके स्टोमक की तरफ यानी कि पेट की तरफ जाने लगे, तो उस कारण से भी क्या होगा, आपको ये गैस्ट्राइटिस वाली प्रॉब्लम आने लगे। और दूसरी जो कारण है वो है आपके पेट से संबंधित या फिर आपके आंतों से संबंधित कोई भी रोग है, कोई भी डिजीज है, उससे क्या होगा, आपको एक गैस्ट्राइटिस वाली प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे कि कार्सिनोमा हो गया, यानी कि कैंसर, एडिमा हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया।
इसी तरह का बहुत सारे कारण हैं जिससे आपको गैस्ट्रिटिस प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो अब तो हमने ये जान लिया कि एक्यूट गैस्ट्रिटिस होने का कारण क्या क्या है, क्रोनिक गैस्ट्रिटिस होने का कारण क्या क्या है। अब हम ये जानेंगे कि गैस्ट्रिटिस का क्लासिफिकेशन क्या क्या है, यानी कि जो आपका पेट में जो अल्सर हुआ है, गैस्ट्रिटिस वाली प्रॉब्लम हुआ है, वो गैस्ट्रिटिस के किन किन जगह पर कहाँ कहाँ पर इफेक्ट किया है, उस जगह के आधार पर उस साइट्स के बेस पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है गैस्ट्राइटिस का, वो है 3 क्लासिफिकेशन। नंबर 1 पे आता है टाइप ए गैस्ट्राइटिस, नंबर 2 पे आता है टाइप बी गैस्ट्राइटिस, नंबर 3 पे आता है टाइप ए बी गैस्ट्राइटिस। यानी कि इसका मतलब हुआ ये जो हमारा पेट का एरिया दिख रहा है आपको, यानी कि ये जो एरिया दिखाई दे रहा है पेट का, ये हो गया फंडिक एरिया और ये हो गया इंटरनल एरिया। अगर फंडिक एरिया पे इफेक्ट किया गया है तो वो हो गया टाइप ए गैस्ट्राइटिस, अगर इंटरनल एरिया पे इफेक्ट किया गया है तो वो हो गया टाइप बी गैस्ट्राइटिस, अगर ये दोनों एरिया पे इफेक्ट किया गया है तो ये हो गया टाइप ए बी गैस्ट्राइटिस। और ये जो 3 नंबर का टाइप ए बी गैस्ट्राइटिस है, यही बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और यही बहुत ज़्यादा लोगों में देखा गया है। तो अब तो हमने ये जान लिया कि टाइप ए गैस्ट्राइटिस किसे कहते हैं, टाइप बी गैस्ट्राइटिस किसे कहते हैं और टाइप ए बी गैस्ट्राइटिस किसे कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि गैस्ट्राइटिस होने का लक्षण क्या क्या है, यानी कि कौन से ऐसी लक्षण है जिसे हम लोग पहचान पाएंगे कि ये जो व्यक्ति है गैस्ट्राइटिस नाम की बीमारी से पीड़ित है। जिसमें सबसे पहले नंबर पर जो लक्षण आता है वो है बर्निंग सेंसेशन इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, यानी कि आपका जो पेट का एरिया है, ऊपर वाले सेंटर वाले एरिया है, वहाँ पर क्या होगा, जलन महसूस होने लगेगा, दर्द होने लगेगा, ये सारे सिम्टम आपको आने लगेगा। और अगला जो सिम्टम है वो है पेन एंड हैवीनेस इन द एब्डोमेन, यानी आपका पूरा पेट में क्या होगा, दर्द होने लगेगा, भारी भारी सब महसूस होने। इसी तरह अगला जो लक्षण है वो है बेल्चिंग, यानी कि आपका ढकार बहुत ज़्यादा आना। इस तरह अगला जो लक्षण है वो है ब्लोटिंग, यानी कि आपका पेट भारी भारी सा होना, पेट भरा सा लगना, आपका पेट टाइट हो जाना, ये सारे लक्षण आपको आने लगता है। इसी तरह अगला जो है वो है हिकअप, यानी कि आपको हिचकी बहुत ज़्यादा आना। इसी तरह अगला जो है वह है फुल अप एब्डोमेन, यानी कि आपका पेट भरा भरा सा महसूस होना और आपको उल्टी आना, नौजिया होना, ये सब आपको लक्षण दिखाई दे सकता है। इसी तरह अगला जो है वह है एनोरेक्सिया, आपका भूख कम लगना। इसी तरह अगला जो है वह है वेट लॉस, यानी कि जब आपका एनोरेक्सिया हो जाएगा, आपको भूख नहीं लगेगा, तो आपको क्या होगा, धीरे धीरे वेट लॉस होने लगेगा। इसी तरह अगली जो है एक्सेसिव फ्लेटुलेंस आफ्टर द मील, यानी कि खाना खाने के बाद उसको बहुत ज़्यादा गैस रिलीज होने लगेगा। सर अगला जो कारण है वो है ब्लैक स्टूल और ब्लड इन वोमिट एंड इन स्टूल, यानी कि आपका जो गैस्ट्रिक अल्सर है उससे क्या होगा, ब्लीडिंग, सीवियर ब्लीडिंग होने लगेगा। और वो ब्लीडिंग क्या होगा कि तो आपके मल के द्वारा बाहर आएगा कि तो आपके वोमिटिंग के द्वारा बाहर आएगा। और अगर किसी व्यक्ति को ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है, बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। इस सिचुएशन में क्या करना पड़ता है, उस व्यक्ति को तुरंत जाकर अपने डॉक्टर से, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब हम जानेंगे गैस्ट्राइटिस के जांच के बारे में, यानी कि गैस्ट्राइटिस को पता लगाने के लिए हम लोग क्या क्या जांच करते हैं। तो देखिए, गैस्ट्राइटिस पता लगाने के लिए सबसे मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है जो जांच है वो है अपर जीआई इंडोस्कोपी, और ब्लड टेस्ट होता है, स्टूल टेस्ट होता है, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्सरे होता है। तो देखिए, हम आपको फोटो दिखा रहे हैं। तो देखिए, अपर जीआई इंडोस्कोपी जो होता है वो इस तरह का क्या होता है, दूरबीन होता है। ये दूरबीन क्या होगा, आपके मुँह के रास्ते से आपके आँतों तक ले जाएगा। और इंडोस्कोपी करने से अल्सर इस तरह का दिखाई देते हैं, और आपका जो ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कितना ज़्यादा इफेक्ट किया है हम लोग इसी से डिटेक्ट कर पाएंगे। अब हम जानेंगे कि गैस्ट्राइटिस का इलाज क्या क्या है। तो देखिएगा, गैस्ट्राइटिस का इलाज 2 पोर्शन में किया जा सकता है। एक है जो आपके बॉडी में जिस कारण से गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम आई है उस कारण को हटाना है, और दूसरा है कि आपके बॉडी में जो एसिड सेक्रेशन हो रहा है उस एसिड सेक्रेशन को रोका जाए मेडिसिन के द्वारा, या फिर आपके बॉडी में एसिड सेक्रेशन हो चुका है, एसिड बन चुका है, तो उसे न्यूट्रलाइज किया जाए। तो आपके बॉडी में जो एसिड सेक्रेशन हो रहा है उसे रोकने के लिए 3 तरह का दवा यूज किए जाते हैं। उसमें सबसे मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है वो है प्रोटोन पंप इन्हिबिटर। उसमें क्या आता है, पेंटोप्राजोल आता है, रैबेप्राजोल आता है, एस्मोप्राजोल आता है, ओमेप्राजोल आता है, ये सारे ड्रग यूज किया जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। यही ड्रग बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज किया जाता है। इसी तरह का दूसरा जो ग्रुप है वह है H2 ब्लॉकर। इसमें रानिटेरिन आता है, फेमोटेरिन, सिमेटेरिन, ये सारे ड्रग आते हैं, लेकिन ये सारे ड्रग वीक एंटासिड है, इसीलिए ये बहुत कम यूज किया जाता है। अब तीसरे नंबर पर जो मेडिसिन आता है वह है आपको पीने के लिए एंटासिड देना। जहाँ का ये एंटासिड क्या करता है, आपके बॉडी में जो एसिड रिलीज हो चुका है उसे ये न्यूट्रलाइज कर देगा, और न्यूट्रलाइज होने की वजह से आपके बॉडी में जो एसिड है वो एसिड आपके बॉडी को प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं करेगा।
तो इसमें क्या आता है, अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड आता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है, डायमिथिकोन आता है, सिमिथिकोन आता है, ये सारे ड्रग आपको दिया जाता है पीने के लिए। अब एक ट्रीटमेंट उसके लिए जिसके बॉडी में एच पायलोरी का इन्फेक्शन हो चुका है, यानी कि ज़्यादातर के समय देखा गया है कि लंबे समय तक गैस्ट्रिक की समस्या हो जिस व्यक्ति को, उस व्यक्ति में एच पायलोरी का इन्फेक्शन होते हैं, तो उस व्यक्ति उस सिचुएशन में क्या किए जाते हैं, हम लोग एंटीबायोटिक यूज करते हैं। अगर एंटीबायोटिक यूज ना कर सिर्फ एंटासिड यूज किया जाए तो उस व्यक्ति को ये गैस्ट्रिक वाली प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए इस सिचुएशन में एंटीबायोटिक का यूज करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और एंटीबायोटिक में क्या आता है, एमोक्सिसिलिन आता है, क्लारिथ्रोमाइसिन आता है, मेट्रोनिडाजोल आता है, टिंडाजोल आता है, ये सारे ड्रग और ये सारे ड्रग का कॉम्बी पैक आपको मिल जाएगा। जैसे कि एचपी किट का बाजार में मिलते हैं, उसमें एमोक्सिसिलिन, टिंडाजोल और ओमेप्राजोल टेबलेट मिले हुए रहते हैं। दूसरे नंबर पर जो कॉम्बी पैक का है उसमें क्लारिथ्रोमाइसिन, पेंटोप्राजोल, एमोक्सिसिलिन मिले हुए रहते हैं। ये दोनों का पिक्चर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसी तरह का किट्स आपको बाजार में आसानी के साथ। अब हम लोग जानेंगे कि गैस्ट्राइटिस का प्रिवेंशन क्या क्या है, यानी कि गैस्ट्राइटिस को रोकने के लिए हम लोग कौन कौन सी उपाय अपना सकते हैं। गैस्ट्राइटिस की पेशेंट को ऐसे फूड को नहीं खाना है जिस फूड के कारण से उसके बॉडी में एसिड का सेक्रेशन बढ़ जाए, जैसे कि चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, फैटी फूड हो गया, वेरी हॉट फूड हो गया, यानी कि बहुत ही गर्म गर्म खाना हो गया, ये सब खाना से उसके बॉडी में एसिड सेक्रेशन बढ़ जाता है। इसी कारण से उस एसिड सेक्रेशन बढ़ाने वाले खाना को आप लोगों को नहीं खाना। दूसरे नंबर पर जो चीज़ आता है वो है आपको दूध या फिर दूध से बना हुआ चीज़ को आपको सेवन नहीं करना है, क्योंकि इससे भी आपके बॉडी में एसिड का सेक्रेशन बढ़ जाता है। तो इसीलिए आपको दूध या फिर दूध से बना हुआ चीज़ को आपको सेवन नहीं करना है। इसी तरह तीसरे नंबर पर जो आता है कि आपको फास्टिंग नहीं करना है, यानी कि खाली पेट आपको नहीं रहना है, भूखे आपको नहीं रहना है, आपको कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा कर 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 थोड़े थोड़े अमाउंट में कुछ ना कुछ खाते रहना है, आपको खाली पेट नहीं रहना है। इसी तरह से पाँचवें नंबर पर जो उपाय है वो है आपको हाई फाइबर वाली डाइट ज़्यादा सेवन करना है, और हाई फाइबर वाली डाइट ज़्यादातर आपको फ्रूट में और वेजिटेबल में सेवन करना है। जैसे कि फ्रूट में हो गया अमरूद हो गया, केला हो गया, अनार हो गया, सेब हो गया, ये सारे फ्रूट हाई फाइबर डाइट वाली होते हैं। और वेजिटेबल में आपको हरी पत्तेदार साग सब्जी ज़्यादा सेवन करना है, जैसे कि पालक हो गया, ब्रोकली हो गया, फूल गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, ये सारे वेजिटेबल हाई फाइबर डाइट वाले होते हैं, और ये सारे फ्रूट और सारे वेजिटेबल आपको खाना है। इसी तरह छठे नंबर पर जो आ गया वो है आपको प्रोबायोटिक का सेवन ज़्यादा करना है, जैसे कि दही हो गया। दही में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस होता है, वो क्या करता है आपके आंतों में, आपके पेट में जो एच पायलोरी का इन्फेक्शन हुआ है उसे ये मार देता है। इसीलिए दही का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है इस गैस्ट्रिक वाली प्रॉब्लम में। और गैस्ट्राइटिस को रोकने के लिए इसी तरह का बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि आपको मिर्च मसालेदार खाना आपको नहीं खाना है, आपको अपने खाने में अदरक का सेवन ज़्यादा करना है, हल्दी का सेवन ज़्यादा करना है, सौंफ का सेवन ज़्यादा करना है, इसी तरह के उपाय आप अपना सकते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे तरीके के बारे में, यानी कि जीवन शैली के बारे में, किन किन लाइफ स्टाइल को बदल कर हम लोग एक गैस्ट्राइटिस वाले प्रॉब्लम से बच सकते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है कि आपको पानी का सेवन बहुत ही ज़्यादा करना है। पानी का सेवन करने से आपको गैस्ट्रिक वाली प्रॉब्लम बहुत ही कम होने लगेंगे धीरे धीरे। और दूसरा नंबर पर है अवॉइड स्ट्रेस, यानी कि आपको चिंता कम लेना है, आपको जिस कारण से तनाव आ रहा है, जिस कारण से आपको चिंता हो रही है, उस कारण को आपको हटाना है। तीसरे नंबर पर है कि आपको अच्छा नींद लेना है, आपको रातों को अच्छे से सोना है, आपको ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है जिसे आपको रातों को जागना पड़े, इसीलिए आपको अच्छा नींद लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को हटाने। चौथे नंबर पर जो जीवन शैली है, जो लाइफ स्टाइल है, वो है आपको डेली एक्सरसाइज करना है, ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो सके, ताकि आप जो खाना खाएंगे उससे पचाने में आपकी बॉडी को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए आपको डेली एक्सरसाइज करते रहना। कोई भी एक्सरसाइज जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, उसे आपको डेली करना है, ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो सके, आपको खाना पचाने में बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। नाउ कॉम्प्लिकेशन ऑफ गैस्ट्राइटिस, यानी कि सही समय पर गैस्ट्राइटिस का इलाज ना किया जाए तो ये हमारे बॉडी में क्या क्या जटिलता कर सकते हैं, क्या क्या गंभीर रूप ले सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। गैस्ट्राइटिस के कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन जो आता है वो है आपके जो अल्सर हुआ है पेट में, उससे ब्लीडिंग होने लगेगा, और ये जब ब्लीडिंग होगा ये बहुत ही मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है, इसमें उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है, इतनी खतरनाक सिचुएशन है ये।
इसी तरह दूसरे नंबर पर जो कॉम्प्लिकेशन है वो है गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि आप जो खाना खाएंगे वो आपके पेट में आपके आंतों में अच्छी तरह से पास नहीं हो पाएगा, और ये भी बहुत ही ज्यादा मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है, इसे भी आपकी मौत हो सकती है। इसी तरह का अगला जो कॉम्प्लिकेशन है तीन नंबर पर वो है डिहाइड्रेशन, यानी कि बहुत ज्यादा वोमिटिंग की वजह से या फिर बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से आपके बॉडी में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और आपके डिहाइड्रेशन वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आने लगेगी। इसी तरह का अगला जो कॉम्प्लिकेशन है चौथे नंबर पर वो है रीनल इनसफिशिएंसी, यानी कि आपके बॉडी में जब पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं रहेगा तो उससे भी क्या होगा, आपका किडनी फेलियर होने के चांसेस बढ़ सकता है, एडिनोकार्सिनोमा होने के चांसेस बढ़ सकता है। और इसी तरह का अगला जो कॉम्प्लिकेशन है पांचवें नंबर पर वो है बावल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि आपका मल अच्छी तरह से पास नहीं होगा, आपको टॉयलेट जाने में तकलीफ होगी, और इसी तरह का बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है इस गैस्ट्रिक्स का जिसके कारण से उस पेशेंट की मौत भी हो सकती है। गाइज इस तरह का वीडियो शायद ही आपको यूट्यूब पर मिले। गाइज ये वीडियो बनाने में मेरी कम से कम 2 से 3 दिन की मेहनत लगी है, तो प्लीज़ गाइज आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसका समाधान आप पा सकें। तो ये तो था सारे इन्फॉर्मेशन गैस्ट्राइटिस से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपके पास कोई क्वेरीज है या फिर कोई सजेशन है वो भी आप दे सकते हैं। और इसी तरह का हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।